चाहे आप नवमी की तैयारी कर रहे हो या दशहरे की, हमारे पास आपके लिए बहुत ही डिलीशियस फेस्टिव ट्रीट है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफ ज्योति और आज मैं बनाऊंगी सबका फेवरेट कॉम्बो, सूजी का हलवा, पूरी और चना मसाला। सो लेट्स कुक। माय वंडर शेफ ऐप इज कनेक्टेड टू द शेफ मैजिक। गो टू क्लाउड रेसिपीज, क्लिक न्यू रेसिपी टैब एंड हियर्स द न्यू रेसिपी, सूजी का हलवा। हियर्स द डिस्क्रिप्शन, द इंग्रेडिएंट्स एंड देन द स्टेप्स। According to the first step, I have to attach the saute blade and let's add ghee and rava and let it saute. As you can see, rava is perfectly done. Now I'll add water. Now it's time to add sugar and water. And lastly, dry fruits. Oh my God, हलवा smells amazing. अब बनाते हैं पूरी का डो। तो उसके लिए मैंने जार को क्लीन कर लिया है और लगा लिया है नीडिंग ब्लेड। तो हम डालेंगे आटा। मैं चूज करूंगी सिंपल शेफ से नीडिंग फंक्शन, वाटर एंड देन क्लिक स्टार्ट। सिंपल शेफ की नीडिंग फंक्शन को यूज करके मैंने पूरी का आटा बना लिया है। मैं करूंगी इसे रेस्ट, तब तक मैं बना लूंगी चना मसाला, जिसकी रेसिपी मैं ढूंढूंगी क्लाउड रेसिपीज में। सो मैं यहाँ सर्च बार पे डालूंगी चना मसाला और ये रही रेसिपी। आई क्लिक रन। अकॉर्डिंग टू द रेसिपी मुझे सोक करने थे चने, जो कि मैंने सोक और बॉइल दोनों ही कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। फॉर मेकिंग चना मसाला आई हैव अटैच्ड द मल्टी फंक्शन ब्लेड। आई एड ऑयल। After oil is heat, I'll add jeera. I'll add little bit of hing. After tadka is ready, I have to add green chili and ginger. Now add 15 grams of water and click OK. After the green chili and ginger paste is done, and add the paste which is mentioned in the steps with coriander, cumin and little bit of red chili powder. चने का मसाला तो रेडी हो चुका है, अब मैं उसमें डालूंगी बॉइल्ड चना। चना मसाला इज रेडी टू सर्व। अब मैं इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म पूरी और उसके साथ सूजी का हलवा। इन त्योहारों को बनाए कुछ खास विद शेफ मैजिक, और ऐसी हेल्दी टेस्टी फेस्टिव रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।